स्पॉइल सो फूड कैसे स्पॉइल होता है द होल क्लास कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट टूगेदर सो पूरी क्लास मिलकर एक्सपेरिमेंट कर सकती है टेक अ पीस ऑफ ब्रेड और रोटी सो रोटी का एक पीस या ब्रेड का एक पीस लेना है स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑनट और उस पर थोड़ा सा पानी की हमें बूंदे छिड़कनी है देन पुट इट इन दॉक्स देन उसको हमें एक बॉक्स में रखनी है क्लोज द बॉक्स सी द ब्रेड और रोटी एवरी डेटिल यू फाइंड सम चेंजेस ऑन डेट अब उसको आप ऐसे ही बॉक्स में बंद करके रख दोगे देन रोज आप उस बॉक्स को खोल के देखो और देखो उसपे क्या चेंजेस आते हैं मेक दिस टेबल ऑन अ चार्ट पेपर एंड पुट अप इन योर इन दी क्लास रूम अप दी चार्ट एवरी डे आफ्टर डिस्कसिंग दी चेंजेस इन तो आप ये स्कूल की बेसिकली एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो सो so आपको क्या करना नीचे एक चार्ट दे रखा है ये एक चार्ट पर पे बना लो आप हर डे पे रिकॉर्ड करोगी कि डे वन पे अगर आप उसको टच कर रहे हो तो कैसा फील हो रहा है उसकी स्मेल कैसी आ रही है देन उसको अगर आप हैंड जो हाथ का वाला लेंस होता है उससे देखोगे तो क्या दिख रहा है और कलर से कुछ चेंजेस आए या नहीं सो वट आई डू इज वैसे तो ये आपका पर्सनल एक्सपेरिमेंट है आप खुद भी करके देखोगे तो आपको ज़्यादा मजा भी आएगा करने के लिए आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो और अगर स्कूल में अपनी एक्टिविटी कर रहे हो देन इट्स वेल एंड गुड सो यहाँ पे फॉर योर रेफरेंस आई पुट एन इमेज जिसमें मैं ये आपको बता दूंगी क्या क्या चेंजेस होते हैं यूजली डे वन पे सब कुछ नॉर्मल रहता है सेकेंड डे पे भी थोड़ा थोड़ा सा चेंज दिखता है एंड डे सिक्स आने तक आपको पता चल जाएगा कि उस पर बहुत ज़्यादा फंगस आ जाएगी उसका कलर चेंज स्पॉट्स आ जाएंगे उस पर तो आपको वो चेंजेस नज़र आएंगे ठीक है

आती कैसी है तो जो फंगस होता है ना वो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है जैसे ही उसको कोई खाने की चीज़ मॉइस्ट मिलती है मॉइस्ट मतलब थोड़ी सी गीली तो वो उस पर ग्रो करना स्टार्ट कर दे। इसलिए हमने बेड पे आपने देखा ना हमने वाटर स्प्रिंकल किया तो मॉइस्चर मिलने की वजह से वो वहाँ पे ग्रो करने लग जाता है ओके नेक्स्ट है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम स्पॉइल ड्यू टू डिफरेंट रीज़न अलग अलग चीज़ें हैं खाने की वो अलग अलग रीजन से खराब होते हैं सब फूड स्पॉइल सून सम से गुड फॉर लॉन्ग सम समीजन एंड कंडीशन इन विच फूड स्पॉइल क्विकली सो कुछ सीजन या कुछ रीजन कंडीशन हमें बतानी है जिससे फूड खराब हो जाता है तो अगेन यहाँ पे हम बात करेंगे समर्स की तो जब गर्मियाँ होती हैं तो उसमें क्या होता है कि खाना जल्दी फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल होता है उसका रीज़न क्या है देखो अगर जैसे आप दूध को आपने ठीक से बॉयल नहीं किया अब रीज़न देखो मेन रीज़न ये है कि जो एटमोस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है और इस वजह से फूड जो है जल्दी स्पॉइल हो जाता है और रेनी सीजन में स्पॉइल होने का रीज़न क्या है कि रेनी सीजन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है तो उस वजह से खराब हो जाता है अब अगर गर्मियों में आप मिल्क को अच्छे से बॉईल करके नहीं रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा ग्रीन वेजिटेबल्स को मान लो आपने गर्म जगह पे रख दिया तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाएंगी या उसके अलावा और जैसे पिकल्स वगैरह है उसको आपने मॉइस्चर से नहीं बचाया तो पिकल्स खराब हो जाएंगे तो ऐसी बहुत सारी आइटम्स हैं जो इन रीजन से खराब हो जाती है ऑल्सो कुक्ड फूड जो है उसको भी अगर आप गर्मियों में बाहर जो रख दोगे फ्रिज में रखना भूल जाओगे तो वो भी खराब हो जाएगा ठीक है so, सो ये था हमारा पेज नंबर थर्टी सेवन लेट्स नाउ कमिंग टू पेज नंबर थर्टी एट सो पेज थर्टी एट में सबसे ऊपर हमारे पास है गिवन बिलो आर सम फूड आइटम्स एंड सम सिम्पल मेथड्स बाई विच दिस कुड बी केप्ट फ्रेश फॉर वन टू टू डेज मैच दी करेक्ट पेयर सब यहाँ पे हमें पहले कॉलम में फूड आइटम्स दे रखे और सेकेंड कॉलम में कुछ मेथड्स दे रखे जिससे हम इन फ्रूड को प्रिजर्व कर सकते हैं या हम इसको फ्रेश रख सकते हैं दो तीन दिन तक या एक दो दिन तक सो so, पहला हमारे पास आइटम है मिल्क देन कुक्ड राइस देन वी हैव ग्रीन कोरिएंडर जो कि धनिया होता है देन वी हैव अनियन एंड गार्लिक सो मेथड्स अगर हम देखेंगे सो so, पहला है पुट इन अ बॉल एंड कीप द बॉल इन द इन अ कंटेनर विद सम वाटर अब इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम बाउल में रख सकते हैं एंड उस बाउल को हम पानी से भरे कंटेनर में रख सकते हैं सो दैट इज कुक्ड राइस तो कुक्ड राइस को अगर हम इस तरह से रखेंगे तो वो एक दो दिन तक फ्रेश रहते हैं खराब नहीं होंगे नेक्स्ट है रैप इन अ डैम क्लोथ ये तो आपने देखा भी होगा थोड़े से गीला गीला मतलब पूरा वेट नहीं बोला गीला मतलब जैसे एक क्लॉथ को पूरा गीला कर लो एंड देन उसको अच्छे से निचोड़ दो हम तो जैसे ठंडा हो जाए वो बस पानी से उसको हम बोलते हैं डॉथ सो so, उस क्लॉथ के अंदर अगर हम सूखा धनिया वगैरह जो हमारा होता है सॉरी जो हमारा ग्रीन कोरिएंडर होता है मतलब धनिया होता है सूखा धनिया नहीं जो ग्रीन वाला हमारा पास धनिया होता है उसको अगर हम रैप करके रखेंगे तो उससे क्या होगा वो इतनी जल्दी स्पॉइल नहीं होगा ठीक है नेक्स्ट है बॉइल इट अब इसमें से कौन सी चीज है जो हमें बॉइल करके रखनी चाहिए दैट इज मिल्क है ना देन लास्ट है कीप इट इन अ ड्राई ओपन प्लेस तो अनियन और गार्लिक बचे हैं अनियन और गार्डनिंग के जिसको हमें एक ड्राई और ओपन प्लेस में रखना चाहिए नेक्स्ट हमारे पास है अब एक स्टोरी आ जाएगी समर ट्रीप ममिंदी तंत्र अब ये क्या होता है सो so, अब स्टोरी रीड करते हैं सबसे पहले यहाँ पे स्टोरी स्टार्ट होती है चिटी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन अट्रीपुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश तो आंध्र प्रदेश में दो जने रहते हैं द ब्रदर्स स्पेंड दी समर हॉलीडेज

मैंगो गार्डन में खेलते हुए बिताते हैं और जब वो बोल रहे हैं ट्रीज जो होते हैं वो समर्स में वहाँ पे दे आर फुल ऑफ मतलब हाँ पे फ्रूट्स पूरे भरे होते हैं दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनरिप मैंगो विथ अनिप मैंगोज कौन से होते हैं रिप मैंगोज होते हैं जो जैसे हमारे घर में आते हैं जैसे हम मैंगो शेक्स वगैरह बनाते हैं जो अच्छे से पक चुके होते हैं अनरिप जो अभी थोड़े कच्चे होते हैं तो उसको वो सॉल्ट नमक और मिर्च के साथ खाते तो उसको बहुत टेस्टी लगते हैं नाउ एट होम देयर मदर कुक्स अनरिप मैंगोज इन डिफरेंट वेज और घर पे जो अनरिप मैंगोज़ होते हैं उनको उसकी मदर अलग अलग तरीके से बनाती है शी ऑल्सो मेक मेनी काइंड ऑफ मैंगो पिक्स तो अलग अलग तरह के आम का अचार बनाती हैं द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन अब वो आम का अचार पूरा एक सीजन लास्ट करता है जब तक कि फिर से मैंगो का सीज़न है हमें पता है मैंगो सिरप समर्स में आते हैं नेक्स्ट है वन इवनिंग हैविंग फूड चिन्ना बाबू अम्मा वी हैव सो मेनी मेक सम मम्मी डी तंद्रा विच इज आम पापड़ सो ये जो अजीब सा वर्ड आ रहा है दिस इज आम पापड़ फ्रॉम देम तो वो बोलते हैं अपने मम्मा को जाके बोलते हैं कि इतने सारे मैंगोज हैं इसका हम आम पापड़ बनाते हैं या इसका आम पापड़ बना दो सो देअर फादर सेड मेकिंग मम्मी दी तंत टा मी नीड फोर वीक्स ऑफ हार्डवर्क है वो बोल रहे हैं अगर हमें आम पापड़ बनाना है तो हमें इसके लिए कितना हार्ड वर्क चाहिए पूरे फोर वीक्स लगेंगे और उसमें रोज़ का हार्ड वर्क होगा इफ़ यू बोथ प्रोमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर दी नेक्स्ट फोर वीक्स वी कैन टूगेदर मेक दी मम्मी दी तंत्रा वो बोलते हैं कि अगर तुम हमें दोनों प्रॉमिस करोगे कि तुम दोनों भाई हमारी हेल्प करोगे चार वीक्स तक तो हम ये आम पापड़ बनाना स्ट्राई कर सकते हैं या स्टार्ट कर सकते हैं सो बोथ दी ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प दोनों भाई फटाफट से एग्री करते थे कि हाँ हाँ हम हेल्प करेंगे आप बनाओ जैसे घर पे कभी होते हैं ना हम मम्मा को कहते हैं मम्मा ये बना दो तो मम्मा कभी कभी कहती है अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मम्मा बनाएंगी तो हम कहते हैं ना हाँ हाँ मैं हेल्प कर दूंगा आप बना दो फटाफट ठीक है so, सो उसी तरह से यहाँ पे होता है ना बोथ दी ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प द नेक्स्ट डे बोथ दी चिल्ड्रन वेंट टू दी मार्केट विद देयर फादर अपने फादर के साथ मार्केट जाती हैं

नेक्स्ट पेज सो नाउ दिस वॉज दी एंड ऑफ पार्ट नंबर टू अब इसके आगे के जो भी पेजेस हैं वो हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे सो आई सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो बाय बाय नाउ